हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम कंजर्वेशन लॉज का सबसे पहला लॉ पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके नाम से क्लियर है कि मास के कंजर्वेशन का लॉ है ये सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम बात करें द नेट मास जो टोटल मास है जो नेट मास है एक आइसोलेटेड सिस्टम का रिमेन ऑलवेज कॉन्स्टेंट यानी कि आपके पास एक सिस्टम है और वो आइसोलेटेड है यानी कि सबसे अलग है किसी से टच नहीं हो रहा है राइट right? आपको तो आइसोलेशन पता होगा कोरोना का टाइम है तो पता ही होगा आइसोलेशन है कि सबसे अलग है सेपरेट है राइट right? तो एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है तो उसका जितना भी नेट मास है आप उसको कहीं भी भी लेके जाइए ओके आप उसको कहीं पे भी लेके जाइए उसका मास उतना ही रहेगा ऑलवेज कॉन्सटेंट कॉन्सेंट यानी कि एक जैसे रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके लेकिन अगर हम बात करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो दो लॉज थे जिसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों को यूनाइटेड किया गया था मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है यूनिफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासनों को, okay, तो को मिलाकर के जो नया नाम आया वो क्या था यूनिफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है इतना आगे देखते हैं इस पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड के अंदर दो एंटिटीज ही होती है एक होता है मास और दूसरा होता है एनर्जी ओके स्टूडेंट्स सो बेसिकली ये दोनों ही जो है आपस में इंटर कन्वर्टिबल क्वांटिटीज यानी कि आपस में ही कन्वर्ट हो सकते हैं इसका मतलब मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में एंड एन एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मास के अंदर ओके स्टूडेंट्स इसी के बेस पे साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्वेलेंस रिलेशन भी दिया हुआ था जो कि आपको पहले से पता है दैट इज मास एनर्जी इक्वेलेंस रिलेशन क्या था ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई क्या है एनर्जी है एम क्या है मास है सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम में कितनी वैल्यू होती है सी की दैट इज थ्री इंटू टेन टू द पावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड ये आपको पहले से पता है ओके okay, स्टूडेंट्स इतना क्लियर है यानी कि किस तरीके से एनर्जी एंड मास को आपस में इंटर कन्वर्टिबल यानी कि एक से दूसरे में दूसरे से पहले में आया जा सकता है कन्वर्ट किया जा सकता है राइट अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एटम बम एंड हाइड्रोजन बम जो है इसी लॉ के बेस पे बने हुए हैं ओके एंड जब हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की आपस में जुड़ना एंड टूटना जब होता है तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट होता है मास का डिफेक्ट मतलब जब आपस में टकराएंगे या टूटेंगे तो कुछ मास का लॉस हो सकता है आप बोल सकते हैं राइट तो ये जो मास का लॉस हो रहा है ओके कुछ जो मास वेस्ट हो रहा है तो ये जो मास का डिफेक्ट है वही कन्वर्ट होती है बहुत सारी एनर्जी में और ये एनर्जी का यूज किया जाता है जो कि एनर्जी वहां पे लूज हो रही है उस एनर्जी का यूज होता है एटम बम एंड द हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ओके ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एटम बम एंड जो हाइड्रोजन बम है ये दोनों ही मास एनर्जी इक्वेस रिलेशन को ओबे करते हैं मानते हैं तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आपको ये क्लियर होना चाहिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू